तो फ्रेंड्स, फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे इस ऑल इन वन चैनल में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ आप लोग क्यूआर कोड कैसे बना सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है क्यूआर कोड क्या होता है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, आप लोग को पता चल जाएगा क्यूआर कोड क्या होता है। तो सिंपली मैं एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, इस वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग चेक कर सकते हैं और इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट पर जाने से पहले सीख लीजिए, जान लीजिए क्यूआर कोड क्या होता है, इसे कैसे बनाया जाता है इस वेबसाइट की मदद से। तो फ्रेंड्स, ये वेबसाइट क्यूआर कोड हमें बनाने में मदद करता है। क्यूआर कोड क्या होता है, आप लोग बहुत जगह ऐसा आप लोग देखे होंगे क्यूआर कोड होता है, मतलब इसे ही क्यूआर कोड कहा जाता है। तो ये आप लोग को कार्ड में मिला होगा, या किसी बड़ी कंपनी का कार्ड में, या कोई भी पैकेट में, या कुछ बहुत सारा चीज़ में, या कार में, या बाइक में स्टिकर के द्वारा यहाँ पर क्यूआर कोड रहता है, और उस वेबसाइट का या कुछ का लिंक रहता है, या एड्रेस का लिंक रहता है। तो फ्रेंड्स, उसे ही क्यूआर कोड का कहा जाता है। उसे स्कैन करके आप लोग उस वेबसाइट उसमें जो दिया हुआ लिंक, वेबसाइट का लिंक, या कोई नॉलेज, या कोई मतलब क्यूआर कोड के पीछे बहुत ही ज़्यादा चीज़ रहता है, जैसे आप लोग कोई भी एड्रेस भी रहता है क्यूआर कोड में, तो फ्रेंड्स वो लोग आप स्कैन करके जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि क्यूआर कोड कैसे बनाया जाए इस वेबसाइट के मदद से। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग को सिंपली लिंक का ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पर लिंक यूआरएल मांग रहा है, तो सिंपली हम लोग यूआरएल ले लेंगे। मैं तो यूट्यूब चैनल का यूआरएल बनाने जा रहा हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ से यूआरएल कॉपी कर लूँगा, और मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और सिंपली यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा वेबसाइट यूआरएल में। तो मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ से सिंपली मैं डाउनलोड कर लूँगा। तो यहाँ से मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, आप लोग नीचे देख रहे हैं यहाँ पर डाउनलोड मेरा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा हो रहा है और ये मेरा हो चुका है डाउनलोड। और यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आप देख सकते हो, हर चीज़ के लिए क्यूआर, फेसबुक के लिए, ट्विटर के लिए, और बहुत सारे चीज़ के लिए क्यूआर कोड बना सकते हैं, पीडीएफ के लिए, ट्विटर के लिए, फेसबुक के लिए, लोकेशन के लिए। तो गूगल मैप के लिए मैं लोकेशन के लिए क्यूआर कोड एक आप लोग को बना के दिखा देता हूँ। आप लोग को यहाँ पर एड्रेस पुट करना है, जो आप लोग का एड्रेस है। तो यहाँ पर मैं अपना एड्रेस दे देता हूँ, मैं अपने टाउन का एड्रेस दे देता हूँ। यहाँ मधेपुरा मैंने लिखा है, और यहाँ पर मैंने सर्च किया तो यहाँ पर ये आ चुका है। तो सिंपली हम लोग को ये इसका मैं क्यूआर कोड बना सकता हूँ, या मैं अपने कार्ड में भी दे सकता हूँ, या तो लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आ चुका है। यहाँ पर गो में क्लिक कर लूँगा, ये क्यूआर कोड बन गया है मेरा। तो फ्रेंड्स, इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होगा मेरे एरिया तक पहुँचने में। उन लोग को गूगल मैप के द्वारा स्कैन करेंगे मेरे क्यूआर कोड को, गूगल मैप के द्वारा उन लोग को पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये होता है क्यूआर कोड्स के हेल्प से आप लोग बहुत जगह सारा चीज़ में यूज कर सकते हैं आप लोग। तो अगर पेटीएम यूज करते हैं तो पेटीएम का भी अपना क्यूआर कोड होता है। आप लोग पेटीएम अकाउंट बनाते हैं तो उसमें भी आप लोग का अपना क्यूआर कोड होता है। तो फ्रेंड्स, क्यूआर कोड बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है, आप लोग इसे ज़रूर यूज करना। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इस ऐप, मैंने इस साइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग वहाँ से सिंपली जाके इस साइट को देख सकते हैं और क्यूआर कोड बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।